किसान भाइयों नमस्कार। एक शानदार ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण सिंह के फार्म पर इनके जो बड़े थे 360 गांव के मालिक थे, बहुत ही बड़ी हस्ती है और इनका एक बाग है यहाँ पे आम का, 1000 बीघे में बाग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? ये देखभाल के लिए। इधर जी, देखभाल के लिए है। अच्छा, ये वो सिंह साहब नहीं है यहाँ पे? सिंह साहब नहीं है? नहीं नहीं, वो कहाँ गए हैं? वो कहीं बाहर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखभाल के लिए रखे हैं। ये कौन सी नस्ल है? देख लो जी, ये इनके कुत्ते हैं। अच्छा, बाकी अंदर है अभी। बाकी अंदर कितने कुत्ते हैं टोटल? चार। चार कुत्ते हैं। अच्छा, और आप कितने आदमी रहते हैं यहाँ पे? 10 आदमी। अच्छा, नर्सरी है यहाँ पे? नर्सरी है। अच्छा अच्छा, इनके बारे में बताएंगे थोड़ा, इनकी हिस्ट्री के बारे में क्या क्या है? ये राजा है, पहले के राजा है। अच्छा अच्छा, 360 गांव के मालिक थे। अब तो 360 गांव के? हाँ जी। अच्छा, अब तो अलग अलग बटे पड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई असोड़ा में है। अच्छा, असोड़ा में इनकी पुरानी हवेली भी है ना? हाँ, किसान भाई उनकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और पुरानी हवेली की। हाँ, आपके जो है स्टेशन कोठी पे है, हापुड़ स्टेशन भी आज इनके ही जमीन में है। अच्छा, इन्हीं के नाम से है हापुड़ स्टेशन भी? बहुत बढ़िया जी। बाकी नर्सरी का अभी जमीन कितनी होगी इनके? ये अभी 156 बीघे में यहाँ पर है। वैसे सब भाइयों पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। हाँ, तो इसी तरीके से सब पर हिस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है 7 किलोमीटर के दायरे में इनका ही था यहाँ से। 7 किलोमीटर के दायरे में हापुड़ से लेकर के और काली नदी तक? किसान भाइयों, हापुड़ से लेकर काली नदी तक 7 किलोमीटर में सब कुछ इलाका इन्हीं का था। जैसा कि भाई साहब ने बताया, सिंह साहब तो यहाँ पे है नहीं अभी। ये देखो, इतना इनका बहुत बढ़िया फार्म है। ठीक है जी, देख लो, वो आपको वहाँ गेट दिख रहा है। और ये पूरा अब 1000 बीघे का बाग मैं आपको घूम के तो नहीं दिखा सकता। ठीक है जी, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। कहाँ पे? ये वाला, ये देख लो जी, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। यहाँ पर चंदन के पेड़, रुद्राक्ष के पेड़ आपको मिल जाएंगे। ये रुद्राक्ष का, रुद्राक्ष आते हैं इसमें? बिकने के लिए नहीं है, शो के लिए अपने लगा। मतलब नहीं बेचेंगे कहाँ, ये राजा लोग हैं। रुद्राक्ष आते हैं इस पे? आपके पास है? नहीं, अभी फिलहाल में नहीं है। अच्छा, आया ही नहीं है। ये देख लो, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, बहुत बड़ी साल हो सकता है कि पूरा। हाँ, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, चंदन के पेड़ भी हैं यहाँ पे। और कोई यूनिक चीज दिखाएंगे हमें आप? जी, आपको तो जानकारी होगी पेड़ पौधों की। कौन सा जी? रुद्राक्ष खाने वाला? रुद्राक्ष खाया भी जाता है? ये खाने वाला रुद्राक्ष है भाइयों, ये देखो। अच्छा, कहाँ लगे हैं दिखाइयो? अच्छा, बेर बेर से लगते हैं, देख लो, बहुत ही बढ़िया जानकारी। और यहाँ पे चंदन के पेड़ भी हैं। आपका कमरक? ये कमरक है। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़कियाँ बहुत पसंद करती है कमरक को, ये खट्टा मीठा होता है। ये कमरक का पेड़ है जी। ठीक है, चलिए हम आपको इनका बाग दिखा देते हैं। ऐसे बाग अब लुप्त हो गए, देखने को नहीं मिलते। त्यागी जी है ना? त्यागी जी हैं, 360 गांव के मालिक थे। बाद में सीलिंग वीलिंग आई तो इनकी जमीन बट गई। ये देख लो, 1000 बीघे में ये बाग है भाई साहब। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। 1000 बीघे में, 1000 बीघे 10 किलोमीटर होता है, सॉरी 10 किलोमीटर तो नहीं, 2-4 किलोमीटर तो होता ही होगा। ये देख लो, सारा बाग है यहाँ पे। ठीक है, हम इनकी वीडियो बनाने आए थे आज 200 किलोमीटर दूर से, पर उनको एमरजेंसी दिल्ली जाना पड़ गया। ठीक है, जब अगली बार अभी यहाँ से जाकर उनकी कोठी की वीडियो आपको दिखाएंगे, अंग्रेजों के ज़माने की कोठी है। और एक इनके पास एंटीक ट्रैक्टर भी था, वो इन्होंने बेच दिया। ठीक है जी, इनके पास बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर था, 1942 मॉडल का, छोटे छोटे पहिए थे। और उस ट्रैक्टर की ये खास बात थी, वो तीनों ईंधन से चलता था, पेट्रोल से भी, डीजल से भी, और जी मिट्टी तेल से भी चलता था। ये देख लो, 15-20 यहाँ पे नौकर उन्होंने रखे हुए हैं, आम हाउस है। ये देख लो, कहाँ तक दिखाऊँ? जहाँ तक देखोगे बाघ ही बाघ आपको नजर आएगा। इसमें क्या बो रहे हो? बाघ की सुताई चल रही है। अच्छा अच्छा, ये ठेके पे दे देते होंगे इसको तो? आम? कितने आम क्या करते हैं अपने आप? सप्लाई होती है, सप्लाई होती है। रखते हैं? अच्छा, ये देख लो भाइयों, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। ये गोल सेब का मैसी है।
ये देख लो, बहुत बड़े किसान थे, किसान क्या राजा थे अंग्रेजों के बाद। 350 गांव के मालिक तो राजा ही होते हैं। बाद में सीलिंग वगैरह आई, परिवार बढ़ गया, कुछ लोग दिल्ली रहते हैं, कुछ हापुड़ में रहते हैं, कुछ मेरठ नोएडा रहते हैं। बहुत बड़ा राजघराना है इनका। अगली वीडियो हम इनके महल की आपको दिखाएंगे। उसमें कोई रहता है महल में? हाँ। अच्छा अच्छा, आप नारायण सिंह की लड़की। अच्छा, यहाँ पे क्या नाम बताया था? असोड़ा में, अजय नर्सरी है। अच्छा, अजय नर्सरी है असोड़ा में। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं? अजय नाम से है। अच्छा अच्छा, इनके भाई हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। ये देख लो, तो यहाँ का ये संडे सैटरडे संडे को आते होंगे? नहीं, रात को ही रहते। अच्छा, रात को ही रहते हैं? अभी किसी काम से। अच्छा अच्छा अच्छा, रात को ही रहते हैं। देख लो कितनी शांति है यहाँ पर। वो गेट लगा है और ये 7 किलोमीटर में पूरा फार्म हाउस जी। सिंदूर का पेड़, ये मांग में लगाने वाला सिंदूर? नहीं, हनुमान जी वाला। हनुमान जी वाला, अरे वाह, ये सिंदूर का पेड़ है भाई, ये देख लो। ये सिंदूर का पेड़ है, हनुमान जी से मतलब मुझे नहीं पता, बता करते हैं जो तिलक लगाते हैं हनुमान जी को। हाँ, हाँ, वो वाला चीज है। दिखाइए, अभी तो मानो फूल आ रहा है इस पे। अच्छा अच्छा, ये लाल होगा ये कलर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका क्या फल आता है क्या? इस पे फली आती है जो बनता है सिंदूर। सिंदूर बनता है? हाँ जी वाह, देखो ये देखो, सिंदूर बनता है इसका। बहुत बढ़िया, तिलक वाला, ये तिलक वाला सिंदूर। हनुमान जी के भक्त हैं, इसके ज्यादातर तिलक करते हैं। यूरा पहले का जो है सूख चुका है, पहले का ये था, ये सूख गया है जी। ये जो दाने होते हैं ये पीसे जाते हैं और इससे सिंदूर बनता है, इसका सिंदूर बन जाता है। बहुत बढ़िया, सिंदूर का पेड़। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है किसानों से संबंधित, ये दालचीनी है, ये दालचीनी का पेड़ है, देख लो। हमारा मकसद है किसानी, खेती किसानी को बढ़ावा देना। धन्यवाद।